हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट करेंगे मनी। ठीक है, छोटा है ये वाला पार्ट और शायद 2 क्लास में ख़त्म हो जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे। मनी सब लोग काफ़ी हद तक अवेयर होंगे इससे, काफ़ी हद तक कहता है सबसे ज़्यादा इसी से अवेयर है, पैसा ही सब कुछ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ मनी, मीनिंग ऑफ उसको डिफाइन किया गया। यूजली हमारे जहन में सबसे पहले क्या आता है, जब भी हम पैसे की बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में जो इंडियन कॉइन्स या नोट्स हैं सिर्फ वही आते हैं जहन में। हालांकि इसकी जो डेफिनेशन है ना, ये थोड़ी सी वाइडर सेंस में दी गई है। पैसे के बारे में ये कहा गया कि सबसे पहले तो वहाँ पे यूज़ किया गया एनीथिंग एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नोट नहीं करना है कुछ भी, एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसको हम पैसा कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसको आप एक्सचेंज के माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, मतलब अगर आप किसी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और वो बदले में जो चीज़ आप दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करता है, तो उसे हम पैसा कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या आ सकता है सर? इसमें कॉइन्स आएंगे, नोट्स आएगा ऑब्वियसली, चेक आ सकता है, या कोई प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये सब चीज़ें जो हैं इसके आधार पे इसको आप मीडियम बना के किसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये सब जो है क्या कंसिडर किया जाएगा? ये सब सर कंसिडर किया जाता है मनी, प्रॉमिसरी नोट, एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज़ को आप एक्सचेंज के माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जनरली क्या होता है, कॉइन्स, नोट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट के आधार पे ट्रांजैक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, ये सब मनी की कैटेगरी में आते हैं। ओके, लेकिन अच्छा सर, कोई भी चीज़ जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाने से ही वो मनी की कैटेगरी में आ जाएगा क्या? असल में दो चार चीज़ें इसके साथ और ऐड करी गई हैं। कोई भी चीज़ अगर हम उसको मनी कंसिडर करना करते हैं या करना चाहते हैं, तो उसके लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज होने के साथ साथ उसके अंदर कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए। मतलब सर, मतलब सिर्फ अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में करते हैं तो शायद वो मनी की कैटेगरी में ना आए। ये एक कंडीशन है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना एक कंडीशन है मनी के लिए। लेकिन इसके अलावा एक दो चीज़ें हम और कंसिडर करते हैं और एक दो चीज़ें और वेरीफाई करेंगे, उसके आधार पर ही हम ये तय कर पाएंगे कि मनी है या नहीं है। जैसे मनी के लिए कहा गया कि कोई भी चीज़ मनी तभी कहलाएगी जब, पहली कंडीशन तो ये है कि उसको हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल कर सकें, दूसरी कंडीशन भी ऐसी कि उसको उसकी उसको मेजर ऑफ वैल्यू माना जा सके। मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन करने के लिए अगर हम उस पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ कर सकते हैं तो ही मनी कहलाएगा। समझ रहे हैं बात? जैसे आज के डेट में मैं आपसे पूछूं कि ये मोबाइल फ़ोन कितने का है, मैं आपसे पूछूं कि ये पेन कितने का है, कार कितने की है, बाइक कितने की, तो हम इन सब चीज़ों को किस में मेजर करते हैं? हम रुपए में मेजर, जो भी हमारी करेंसी है उसमें हम मेजर कर लेते हैं उसको। तो जो करेंसी चल रही है ना, वो मनी इसलिए है क्योंकि सारी चीज़ों को हम उसके आधार पर मेजर कर सकते हैं, उसको मतलब मॉनिटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। जो भी करेंसी चल रही है उसके टर्म्स में मेजर कर सकते हो, इसलिए जो नोट और कॉइन है उसको हम मनी कंसिडर करते हैं। तो कोई भी चीज़ मनी तभी है जब नंबर वन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल करी जा सके, नंबर टू उसके आधार पे चीज़ों को वैल्यू करा जा सके, वैल्यूएशन के रूप में उसको इस्तेमाल किया जा सके, मतलब इट कैन बी यूज एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। समझ आ गई बात? इसके अलावा ये भी कहा गया कि हम किसी भी चीज़ को पैसा तभी कंसिडर करेंगे जब उसकी एक स्टोरेज वैल्यू हो, इट हैज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब कि कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू को स्टोर किया जा सके वही पैसे के रूप में इस्तेमाल, मतलब पैसा कंसिडर किया जाए। जैसे आपको याद होगा कि एक ज़माना, मतलब सुना तो होगा ही आपने कि किसी ज़माने में ना हम कमोडिटी के बदले कमोडिटीज एक्सचेंज करते थे, है ना? अभी पढ़ेंगे हम लोग उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम का सारा दारो मदार किस चीज़ पर था, उसको क्यों हटा दिया गया, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कमोडिटी टू कमोडिटी हम चीज़ें एक्सचेंज करते थे। जैसे अगर किसी के पास एप्पल्स हैं, उसे ऑरेंज चाहिए, तो सामने वाले बंदे के पास जाएगा, उसे कहेगा भाई मेरे पास एप्पल है, आप एप्पल ले लो, मुझे बदले में ऑरेंज दे, वो बंदा उसके साथ एक्सचेंज कर लेता था। लेकिन इस सिस्टम के अंदर जो बार्टर सिस्टम था उसके साथ एक दिक्कत ये थी कि हम ना चीज़ों की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास एक एप्पल है और एकदम फ्रेश है वो, अब उस एक एप्पल के बदले
मतलब करेंटली आज के रेट में वो इतना फ्रेश है कि आप आज के रेट में उसको एक्सचेंज करने जाएंगे ना, तो आपको उसके बदले 3 ऑरेंजेस मिल जाएंगे जो उसकी एक्सचेंज कैपेसिटी। लेकिन आपको ना आज की डेट में ऑरेंज की जरूरत नहीं है, आपको एक हफ्ते बाद है जरूरत ऑरेंज। अब आप क्या सोचेंगे कि मैं ये एप्पल एक हफ्ते तक स्टोर करता हूँ, एक हफ्ते के बाद जब मुझे ऑरेंज की जरूरत पड़ेगी मैं इसको किसी को दे के उसके बदले ऑरेंज ले लूंगा। आप मेरे को बताओ आज की डेट में वो एक एप्पल 3 ऑरेंजेस आपके लिए खरीद सकता है, लेकिन अगर आप एक हफ्ते और रुक जाते हैं तो क्या उस एक एप्पल के बदले आज भी 3 ऑरेंजेस आप ले पाएंगे? आंसर इज नो, शायद आपको एक मिले एक हफ्ते बाद, या शायद एक भी ना मिले। कहने का मतलब इसकी जो परचेजिंग पावर थी, इसकी इसकी वैल्यू कल तक कितने के बराबर थी सर? इसकी एक एप्पल की वैल्यू ना 3 ऑरेंजेस के बराबर थी, ये एप्पल की वैल्यू थी आपकी। लेकिन अगर आप एक हफ्ता रुकते हो ना तो एप्पल की जो परचेजिंग पावर थी, जो वैल्यू थी, वो खत्म हो जाएगी। पैसा, इसीलिए हम एप्पल को पैसा कंसिडर नहीं करते। मनी के अंदर ये स्पेशलिटी हुई, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है मनी का कि उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल भी किया जा सकता है, उसको किसी भी चीज को वैल्यू करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी जो वैल्यू है मतलब जो उसकी परचेजिंग पावर है उसको हम लंबे समय तक सेव कर सकते हैं अपने पास। जैसे मेरे पास अगर आज के रेट में 10 का नोट हो और 10 रुपये में मैं सपोज एक एप्पल परचेज कर सकता हूँ आज, तो अगर वो 10 का नोट मैं एक हफ्ते तक भी रखता हूँ ना तो उसकी परचेजिंग पावर में कमी नहीं आएगी, अनलेस अनटिल सेब ही महंगा हो जाए मार्केट में, वो बात अलग है। लेकिन अगर आज 10 रुपए के रेट पे मैं एक एप्पल परचेज कर सकता हूँ और कल को सब कुछ सेम रहता है, मार्केट कंडीशन सेम रहती है, तो 10 रुपए में कल भी मैं क्या कर सकूंगा, एक एप्पल परचेज कर लूंगा। मतलब हम 10 रुपए के नोट की जो वैल्यू है, जो परचेजिंग पावर है, उसको स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए जो 10 रुपए का नोट है ना उसको मनी कंसिडर किया जा रहा है। समझ आ रही है बात? तो कहने का मतलब कि कोई भी चीज, एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज शैल बी ट्रीटेड एज मनी, अपार्ट फ्रॉम कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में उसका इस्तेमाल हो, इसके अलावा और क्या कंडीशन है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। इट कैन बी यूज एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, उसको वैल्यूएशन पे इस्तेमाल किया जा सके। इट कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अच्छा, उसके अंदर ना डिविजिबिलिटी भी होनी चाहिए। ये क्या चीज होती है सर डिविजिबिलिटी? पैसे का एक कैरेक्टरिस्टिक है डिविजिबिलिटी, मतलब उसको डिवाइड किया जा सकता है, पैसे को ना छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2000 का नोट अगर आप मार्केट में लेके जाते हो तो क्या दुकानदार आपसे ये कहता है कि भाई 2000 का नोट है तो आपको 2000 रुपए के बराबर की ही चीज खरीदनी पड़ेगी? आंसर इज नो। अगर आपके पास 2000 का नोट है, आप उससे 100 रुपए का सामान खरीदना चाहें, 200 का, 500 का, तो आप 200 रुपए में 500 का सामान खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पैसा आपको लौटा दिया जाएगा। अब 2000 का नोट जो है वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड हो सकता है। 2000 का नोट जो है 10 के नोट में, 100 के नोट में, 50 के नोट में, 500 के नोट में, 200 के नोट में आप उसको डिवाइड कर सकते हो, और अपनी जरूरत के हिसाब से जितने का आपको सामान लेना है उसके आधार पे उतना सामान आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो पैसे के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जा सके, आपको जितने की जरूरत हो आप उसमें से उतना ही हिस्सा हिस्सा इस्तेमाल करके अपनी जरूरत को पूरा कर सकें। लेकिन अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक मनी का है, गुड्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता था। बार्टर सिस्टम जब हम यूज करते थे ना, बार्टर सिस्टम में गुड्स के आधार पर एक्सचेंज करते थे, तो गुड्स को मनी क्यों नहीं कंसिडर किया गया? गुड्स को मनी क्यों नहीं कंसिडर किया गया? क्योंकि उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं था। गुड्स के अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं थी, परचेजिंग पावर को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं थी लंबे समय तक, डिविजिबिलिटी नहीं थी, मतलब हम उसको छोटे छोटे यूनिट्स में शायद बहुत सारे केसेस में डिवाइड नहीं कर पाते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ना एक एक टेबल है बड़ी सी, और मुझे जो है, और उस टेबल की वैल्यू मैं बताता हूँ, उस टेबल की गुड्स के टर्म्स में अगर मैं वैल्यू निकालूँ, वो टेबल ना मेरे लिए 10 किलो चावल खरीद सकता है। वो इतना बड़ा जो टेबल है उसकी वैल्यू 10 किलो चावल के बराबर है आज के रेट में, लेकिन मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ अभी 2 किलो चावल की जरूरत है। एक टेबल 10 किलो चावल की वैल्यू के बराबर है, मैं किसी के पास जाऊंगा पूरा टेबल लेके, वो मेरे को उसके बदले 10 किलो चावल दे देगा, लेकिन मुझे चाहिए कितना, मुझे 10 किलो की जरूरत ही नहीं, मुझे सिर्फ 2 किलो की जरूरत है। तो अब मैं टेबल लेके जाऊंगा तो वो कितना देगा उसके बदले, 10 किलो देगा, लेकिन मैं कहूंगा भाई साहब मुझे 2 किलो की जरूरत है फिलहाल, मैं 10 किलो लेके जाऊंगा खराब हो जाएंगे चावल, फॉर एग्जाम्पल। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या उस टेबल के बदले मैं उससे चावल खरीद सकता हूँ? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर आप एक टेबल अगर 10 किलो चावल के बराबर है तो जाहिर है आप उस टेबल को दे दे के 2 किलो चावल तो नहीं लोगे। अगर आप 2 किलो चावल ले रहे हैं तो उसका एक हिस्सा देना चाहेंगे, टेबल का एक हिस्सा दे, मान लो टेबल के 2 पाए निकाल के आप देते कि भाई ये रख लो, 2 किलो चावल दे दो, क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सर टेबल को आप डिवाइड नहीं कर सकते ना, छोटे हिस्सों में डिवाइड करो टेबल यूजलेस हो जाएगी।
समझ रहे हैं बात? तो कहने का मतलब है कि जैसे हम पैसों को अपनी जरूरत के हिसाब से छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर लेते हैं। 2000 का नोट लेके जाएं, अब 2000 नोट, 2000 का नोट ना आपके लिए शायद 25 किलो चावल खरीद सकता है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन आपको आज के डेट में सिर्फ 1 किलो चावल चाहिए, तो आप 2000 का नोट देंगे, वो 1 किलो चावल भी दे देगा आपको उसमें, और बाकी पैसे लौटा देगा आपको। गुड्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता था। गुड्स 10, एक टेबल आप लेके जाते हैं, उसकी परचेजिंग पावर 10 किलो चावल के बराबर की है, आपको 1 किलो चाहिए, तो भाई साहब वो उस टेबल में से एक टुकड़ा रख के आपको उसके बदले चावल नहीं दे सकता। समझ रहे हैं बात? क्योंकि डिविजिबिलिटी वाला कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गुड्स के साथ। बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करोगे तो वो यूजलेस हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो पैसा कहलाने के लिए, किसी भी चीज को पैसा कहलाने के लिए क्या चीज होनी चाहिए, क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए उसकी, कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल हो सके, उसके आधार पे हम चीजों को वैल्यू कर सके, हम उसको लंबे समय तक स्टोर कर सके, उसके परचेजिंग पावर में कमी आए बगैर, और उसको छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जा सके अपनी जरूरत को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नीड्स को मेट आउट करने के लिए। ठीक है जी। और अमूमन हम पैसे में किन चीजों को कंसिडर करते हैं? कॉइन्स, नोट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, और ये सब देखेंगे आप, ये सब जो है पैसे की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए ही पैसा है, इसीलिए हम मनी की कैटेगरी में है। ये समझ आ रही बात? चलिए जी, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सर ये तो हो गया पैसा। जिसने भी पैसे के बारे में सोचा, वो इसलिए सोचा क्योंकि बार्टर सिस्टम जो था ना हमारा, उसके अंदर कुछ कमियां थी। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा बार्टर सिस्टम क्या था। आपको पता ही है, देखो क्योंकि सिलेबस में है थोड़ा बहुत इसके ऊपर डिस्कशन, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, बाकी आपको अंदाजा है बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम क्या है जी? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते हैं, कमोडिटी के बदले कमोडिटी का एक्सचेंज होता है जिस सिस्टम में, उससे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसे हम शॉर्ट में सी टू सी भी कहते हैं, सी टू सी, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है। अब बार्टर सिस्टम जो है इसके अंदर क्या है, जैसे किसी के पास वीट है और उसको राइस की जरूरत है फॉर एग्जाम्पल, तो ये बंदा जो है किसी के पास जाएगा जिसके पास राइस है, उसके पास जाके कहेगा कि सर मेरे पास ना वीट है, आप वीट लेके मुझे राइस दे दो। ये कहता है ओके, और इसको राइस दे देता है और इससे वीट ले लेता है। समझ आ गई बात? बार्टर सिस्टम इस तरीके से काम करता था, कमोडिटी के बदले कमोडिटी एक्सचेंज करते थे। लेकिन बार्टर सिस्टम का जो सारा दारोमदार था ना, इस सिस्टम के सक्सेसफुल होने का जो सारा दारोमदार था, जो सारा सेंटर था, वो इस बात पे लिमिटेड था, इस बात पे सीमित था, इस बात पे डिपेंडेंट था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। क्या मतलब सर? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब होता है किसी भी ट्रांजैक्शन में दोनों पार्टीज की नीड्स साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए। दोनों पार्टीज की नीड जो है वो अगर साइमल्टेनियसली फुलफिल होती है तो उसे हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है। समझ आ रही है बात? जैसे आज के डेट में मैं बताता हूँ आपको, हम पैसा लेके जाते हैं दुकान पे, हमने 50 का नोट दिया, हम अपनी जरूरत का सामान ले लेते हैं। जैसे 50 का नोट दिया मुझे, सपोज अनियन चाहिए, प्याज चाहिए, तो मैंने 50 का नोट दिया, उससे प्याज ले ली। अब सामने वाला बंदा उस 50 के नोट का क्या करेगा भाई? सर उसको जो जरूरत होगी उससे वो जरूरत पूरी करेगा। सपोज उसको राइस चाहिए, ऑयल चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो 50 का नोट देगा दुकानदार को, वो अपनी जरूरत का सामान लेगा। समझ रहे हैं बात? मैं जब उस दुकानदार के पास गया, 50 का नोट दिया, तो मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि उसकी नीड क्या है। क्या जब मैं उससे प्याज खरीदूंगा तो उसकी नीड सेटिस्फाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, मुझे इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं उसको पैसा दूंगा, वो अपनी नीड खुद सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे हैं बात? बार्टर सिस्टम में ये दिक्कत थी। बार्टर सिस्टम में क्या था कि जब मैं किसी के साथ गुड्स एक्सचेंज करूंगा तो मुझे उसकी नीड का भी ख्याल करना पड़ेगा। जैसे ये बंदा जब इसके पास जाता है, इससे कहता है कि भाई साहब मेरे पास वीट है, क्या आपके पास राइस है? ये कहता है हाँ जी है। क्या आप मेरे साथ वीट के बदले राइस एक्सचेंज करना चाहते हो? अगर इसने यस कह दिया, इसका मतलब समझते हैं, अगर इसने यस कहा तो इसका मतलब ये है कि इसको राइस की जरूरत है और इसकी राइस की नीड ये सेटिस्फाई कर सकता है,
और इस बंदे को वीट की जरूरत है और इसकी वीट की नीड को यह सेटिस्फाई कर सकता है, तो दोनों इस ट्रांजैक्शन के थ्रू एक दूसरे की नीड को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अगर इसने नो कह दिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर इसको राइस चाहिए था वीट के बदले, जो ये सेटिस्फाई कर सकता था, लेकिन इस बंदे को राइस के बदले वीट की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं बात? ये कहता है भाई आप ये पार्टी जाती है इसके पास, ये इससे कहती है कि आप मेरे को राइस दे दो वीट के बदले। दूसरी पार्टी मना कर देती है, नहीं जी मुझे वीट की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं हो पाया। सामने वाला बंदा जो चीज आप उसको ऑफर कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, तो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब बार्टर सिस्टम में ना आप जो चीज दे रहे हैं सामने वाले को उसकी जरूरत होनी चाहिए, और वो जो चीज आपको देना चाहता है उसकी जरूरत आपको होनी चाहिए, तो ही जाके बार्टर सिस्टम जो है काम करेगा, तभी ट्रांजैक्शन जो है फैसिलिटेट कर पाएंगी दो पार्टीज आपस में। अगर ये मिसमैच है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं है, तो बार्टर सिस्टम कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होगा। और यही सबसे बड़ी दिक्कत थी बार्टर सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से हमने बार्टर सिस्टम को हटाने के बारे में सोचा। बार्टर सिस्टम में क्या है भाई, सबसे पहले तो आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना, जैसे इसके पास वीट है ना, इसको राइस चाहिए, तो सबसे पहले इसको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास राइस हो। तो सर्च कॉस्ट बहुत है इसमें, टाइम लगेगा ऐसे बंदे को ढूंढने में, ठीक है, डिस्कम्फर्ट होगा, परेशानियां उठानी पड़ेगी। खैर अगर अल्टीमेटली ये मिल भी जाता है जिसके पास राइस है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो राइस दे के उससे वीट लेने को राजी भी हो जाए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो। समझा की बात? तो बार्टर सिस्टम बेसिकली क्या, बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर कमोडिटीज आर एक्सचेंज्ड अगेंस्ट कमोडिटीज, और ये सारा सिस्टम जो है डिपेंडेंट है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पे। जहां भी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड दो पार्टीज के बीच में मिसिंग है, बार्टर सिस्टम फेल हो जाता था। इसकी कुछ और कमियां भी थी, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मेजर लिमिटेशन डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड था, जिसकी वजह से हमने बार्टर सिस्टम को हटाने के बारे में सोचना शुरू किया। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले इसमें रीड कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए मैंने आपको बताया सबसे पहले मनी के बारे में, इसमें बताया कि मनी क्या है। मनी इज एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको भी आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल कर सकें, और एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, चीजों को वैल्यू करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये मैंने नहीं बताया, बताऊंगा थोड़ी देर में। एंड फॉर द स्टोरेज ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड मनी। देख रहे हैं कितने कैरेक्टरिस्टिक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल होना चाहिए, मेजर ऑफ वैल्यू के रूप में इस्तेमाल हो जाना चाहिए उसका, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के रूप में इस्तेमाल हो सके, और स्टोरेज ऑफ वैल्यू के रूप में इस्तेमाल हो सके, तो ही वो पैसा कहलाएगा। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि उसके अंदर डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है सर, जनरली हम मनी में क्या इंक्लूड करते हैं, कॉइन इंक्लूड करते हैं, करेंसी नोट इंक्लूड करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड करते हैं, चेक है, और भी चीजें, जैसे आजकल तो प्लास्टिक मनी आ गया है, ATM, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, और अब तो ऑनलाइन हो गया सब कुछ, ATM और फोन पे। ओके आगे चलते हैं, बार्टर सिस्टम पे आ जाते हैं। बार्टर सिस्टम में लिखा है इट रिफर्स टू अ सिस्टम। अच्छा, बार्टर सिस्टम ना पैसे के आने से पहले का सिस्टम है। इट रिफर्स टू अ सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इज नोन एज CC इकोनॉमी, या कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। बट द एंटायर सिस्टम ऑफ द बार्टर एक्सचेंज डिपेंड्स अपॉन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट। समझ आ गई बात? कि बार्टर सिस्टम का जो सारा दारोमदार था, ये पूरा सिस्टम जो है वो तभी काम करता था जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट दो पार्टीज के बीच में एग्जिस्ट करती हो, विच हैज इट्स ओन लिमिटेशन, जिसमें ऑलरेडी मतलब कमियां थी। आप डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट मैच करें, ऐसे पार्टी को ढूंढना पड़ेगा आपको। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ सर्च कॉस्ट, सर्च कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती थी सिस्टम के अंदर। एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स डिस यूटिलिटी ऑफ वेटिंग, आपको इंतजार बहुत करना पड़ता था कि कोई ऐसा बंदा मिले जिससे मैं अपने गुड्स को एक्सचेंज कर सकूं, ढूंढना पड़ता था। सर्च कॉस्ट है, डिस यूटिलिटी ऑफ वेटिंग है, तो बहुत सारे मसले थे। आफरीन ने कमेंट किया सर वैसे किस सेंचुरी में यूज होता होगा बार्टर सिस्टम? पैसे के आने से पहले यही सिस्टम चलता था आफरीन, तकरीबन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है पैसा कब से इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन जहां तक मुझे अंदाजा है 18 सेंचुरी से शायद हम लोग पैसे का यूज कर रहे हैं। और इनफैक्ट बार्टर सिस्टम, देखो बार्टर सिस्टम इंडिया में बहुत लंबे समय तक चलता रहा, और मुझे लगता है हिंदुस्तान के कई हिस्सों में जो गाँव देहात है वहां पे शायद अभी भी प्रिवेल करता होगा ये। जैसे मुझे याद है मैं अपने बचपन में जो है जब मैं गांव जाता था तो वहां पे मतलब बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था, पैसे का इस्तेमाल होता था नो डाउट, लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे सब्जियां खरीदनी है, तो कोई किसान है, किसी की खेती होती है, तो उसके यहाँ गेहूं है या चावल है, तो चावल या गेहूं देके वो उसके बदले सब्जी ले लेता था, दूध लेता था, दही ले लेता था। तो ये सिस्टम मैंने अपनी आंखों से देखा है,
तो बार्टर सिस्टम वैसे कहने को किताबी बात यह है कि पैसा आने के बाद खत्म हो गया, लेकिन फैक्ट यह है कि पैसा आने के बाद काफी टाइम तक लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको इस्तेमाल करते रहे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में। जो सिटी है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां तो आपको ये सब चीज नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन बाकी जगह पे आपने देखा होगा। अगर आप गांव देहात से हैं तो शायद आप, मेरा ख्याल है 90s वाले जो बच्चे हैं वो तो उन्होंने देखा होगा ये सब, लेकिन जो 20s वाले हैं उन्होंने नहीं देखा होगा ये। क्या बता रहा था मैं, बार्टर सिस्टम। हाँ, तो बार्टर सिस्टम में, बार्टर सिस्टम किस चीज पर डिपेंडेंट है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड पे। और डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की लिमिटेशन क्या है? इसमें सर्च कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, डिसयूटिलिटी इन्वॉल्व है। तो अल्टीमेटली हमने बार्टर सिस्टम को हटाने के बारे में सोचा। भाई जब इसके बारे में सोचना शुरू किया तो इसकी लिमिटेशंस भी बतानी पड़ी हमें कि बार्टर सिस्टम हटाने की किस जरूरत क्या है, क्यों हमें हमें पैसा इंट्रोड्यूस करना चाहिए और बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर देना चाहिए उसकी जगह पे। लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। लिमिटेशंस में बहुत सारी लिमिटेशन है। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन यही थी कि बार्टर सिस्टम इन्वॉल्व्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट। बार्टर सिस्टम में ना डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट की जरूरत पड़ती है, इस वजह से इसको हटाने की जरूरत है। और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट मैंने आपको बताया, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पे दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, दोनों पार्टीज की नीड्स को साइमल्टेनियसली फुलफिल करना हो, उसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट कहते हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी से एक्सचेंज कर रही है, तो इस एक्सचेंज में सामने वाली पार्टी भी, पार्टी को जो चीज दी जा रही है वो उससे सेटिस्फाइड हो, वो बदले में जो चीज आपको दे रहा है आप उससे सेटिस्फाइड हो। तो इस तरह का जो ट्रांजेक्शन है उसको हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट कहते हैं। तो बार्टर सिस्टम हटाया गया, पहला कारण डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट था। दूसरा दूसरा यही था, स्टोरेज ऑफ वैल्यू। स्टोरेज ऑफ मतलब सर, मतलब कमोडिटी के केस, जैसे पैसे के केस में ना आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। वैल्यू समझ रहे हो ना, वैल्यू यहाँ पे परचेजिंग पावर, किसी भी चीज की परचेजिंग पावर को स्टोर करना मतलब उसकी वैल्यू को स्टोर करना। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि एक एप्पल आपके लिए 3 ऑरेंजेस परचेज कर सकता है आज की रेट में, अगर तो उस एप्पल की जो वैल्यू है वो 3:1 है, मतलब 3 आपको मिलेगा अगर आप एक एप्पल देंगे, 3:1 का रेशियो है। लेकिन वक्त के साथ जो है स्टोरेज वैल्यू जो है एप्पल की कम हो जाएगी, जाहिर है। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी ना सर, पैरिशेबल नेचर का होता है गुड, कोई भी गुड, ज्यादातर चीजें जो है वो पैरिशेबल नेचर की है, तो वक्त के साथ उसकी क्वालिटी खराब होगी, ठीक है, टेस्ट खराब होगा। तो जाहिर है उसके लिए जो एक्सचेंज करने को तैयार है सामने वाली पार्टी आज की रेट में, वो एक्सचेंज आपको शायद कल परसों या एक हफ्ते बाद ना दे। ये लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम को हटाने का। ये दूसरा कारण बन गया कि भाई हम जो है, जैसे किसी के पास वीट है उसके बदले जो है वो अनियंस परचेज करना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो अनियंस की जरूरत अभी नहीं है, जरूरत 1 महीने बाद पड़ेगी, वीट उसके पास आज है। तो अगर वो उस वीट के आधार पे अनियंस परचेज करेगा और 1 हफ्ते बाद जाएगा ना अनियंस परचेज करने, वीट एक्सचेंज करके, तो आज की रेट में उस वीट के बदले जितना अनियंस खरीद सकता है ना, शायद 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वो उतनी अनियंस परचेज ना कर पाए, क्योंकि वीट की जो क्वालिटी है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खराब होगी। तो जाहिर है उसकी जो वैल्यू है, जो परचेजिंग कैपेसिटी है, वो भी कम हो जाएगी। तो ये लिमिटेशन थी वाटर सिस्टम के अंदर गुड्स के साथ, इसकी वजह से भी हमने वाटर सिस्टम को हटाने के बारे में सोचना शुरू किया। अब पैसा आने से क्या हो गया सर, पैसा आने से स्टोरेज ऑफ वैल्यू कैसे आ गई? देखो आज के डेट में क्या है ना, आप अपनी किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए, किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा सेव कर लेते हैं। मान लीजिए किसी की शादी है 2 साल बाद, तो वो क्या करता है, अभी से पैसा जोड़ना शुरू करता है, और शादी के टाइम पे जो भी इंतजाम उसको करना है, टेंट का खर्चा या मतलब खाने का खर्चा है, किसी भी चीज का खर्चा, वो उस टाइम पे उस पैसे के इस्तेमाल से उसको पूरा करता है, ठीक है। अपनी जरूरत का सारा सामान वो उस टाइम पे उस पैसे से खरीद लेगा, क्योंकि पैसे को उसने स्टोर किया, पैसे की परचेजिंग पावर को स्टोर कर लिया, 2 साल बाद भी वो पैसा उसके लिए वो सारी चीजें खरीद सकता है। तो बार्टर सिस्टम रिप्लेस करने का रीजन क्या बन गया सर? गुड्स के साथ स्टोरेज ऑफ वैल्यू नहीं है, उसकी परचेजिंग पावर को हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। आप पैसा आज सेव करते हो, आप पैसा सेव करके ना बुढ़ापे तक उसको इस्तेमाल करते हैं, कोई पेंशन इसको मिलती है वो क्या है, पेंशन क्या है, बेसिकली उसने जवानी में सेव किया था पैसा, कोई अपना FD करवा देता है, थोड़ा थोड़ा पैसा वहां से विदड्रॉ करके यूज करता रहता है, समझ आ रही बात? तो पॉइंट इज दैट कि बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट, इसके अलावा गुड्स की परचेजिंग पावर को स्टोर नहीं कर सकते लंबे समय तक, ये भी दिक्कत है, ठीक है सर। मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था कोई, मतलब सर, मतलब किसी भी चीज को मेजर करने का कोई कॉमन तरीका
नहीं होता था। आज की रेट में क्या है ये पेन? मैं आपसे पूछूं कितने का है, किसमें मेजर करेंगे आप? मनी के टर्म्स में सर, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का। ये स्पीकर कितने का है? कोई भी चीज, ये माउस है कितने का है? ये विजुअलाइजर कितने का है? मॉनिटर कितने का है? कीबोर्ड कितने का है? कैमरा कितने का है? सब आप किसमें मेजर कर सकते हैं? सब मेजर कर सकते हैं सर, पैसे के टर्म्स में। तो पैसा ना आज के डेट में कॉमन वैल्यू, कॉमन मेजर है, कॉमन आधार है किसी भी चीज को वैल्यू करने का। आप कोई भी कार देखते हैं, कोई बिल्डिंग देखते हैं, उसको जो मेजर करते हैं आप, क्या गुड्स के टर्म में मेजर करते हैं उसको? नहीं। हम हर कोई, जैसे अगर जितने भी बच्चे, जैसे मेरे पास 30 स्टूडेंट हैं, मैं उससे पूछूं क्योंकि भाई ये पेन कितने का होगा, आप में से हर कोई ना आंसर मेरे को पैसों में देगा। आंसर सबका अलग हो सकता है, जैसे कोई बोलेगा 5 रुपए का, 6 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का, सबका अलग हो सकता है आंसर, लेकिन पैसे, सॉरी, जो आंसर मिलेगा ना मेरे को सबका कॉमन ही होगा। जो वैल्यूएशन का जो मेजर है, जो जो बेसिस है, ठीक है, वैल्यूएशन जिसमें करी गई है वो कॉमन ही है, मनी है, ठीक है, रुपीज के टर्म में सब मेजर करेंगे। तो अभी जो है, जो मॉनिटरी सिस्टम आया है, तो हमें एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मिल गया। पहले कोई किसी भी चीज को मेजर करने का कॉमन तरीका नहीं था, सब चीज को अपने अपने तरीके से मेजर कर सकते थे। जैसे सपोज किसी को, किसी के पास राइस है, वो जाता है किसी के साथ एक्सचेंज करने के लिए, सामने वाला उससे कहता है भाई हमें तो राइस के बदले वीट चाहिए, तो यहाँ पे राइस को किस किस टर्म में मेजर किया जाएगा? वीट के टर्म्स में, कि 1 किलो राइस के लिए कितना वीट देना पड़ेगा। अच्छा, ये बंदा जो है किसी के पास, सपोज उसको अनियंस चाहिए, ये अनियंस लेने गया, सॉरी, ये राइस लेने गया किसी बंदे से, ये कहता है जी हमें तो इसके बदले अनियंस चाहिए, राइस हम तभी देंगे जब आपके पास अनियंस हो। तो अभी राइस को किस बेसिस पे, किस क्या उसका जो मेजर ऑफ वैल्यू क्या होगा? अनियंस हो जाएगा। किसी और के पास गया वो, उसको सपोज टोमेटो चाहिए, तो आप देख रहे हैं हर बार ना राइस को, राइस का जो मेजर ऑफ वैल्यू है चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर बंदा ना अपने अपने हिसाब से डिमांड करेगा चीजें, ठीक है। तो कोई भी कॉमन तरीका नहीं था किसी चीज को मेजर करने का, हर बंदा अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए एक एक्सचेंज का, एक्सचेंज के लिए गुड्स फिक्स कर लेता था। आप दुकान पे जाते हैं, आप दुकानदार को कोई जब पैसा देंगे तो सामने वाले को इस बात की टेंशन नहीं है कि उससे उससे खरीदना क्या है, वो आपसे पैसा ले लेगा, अपनी जरूरत सेटिस्फाई करता रहेगा आराम से, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम में लिमिटेशन क्या थी? किसी भी चीज को मेजर करने का कोई कॉमन तरीका नहीं था, ठीक है। और एक और फैक्टर मैंने बताया था, जो पैसे का जो कैरेक्टरिस्टिक बताया, डिविजिबिलिटी। बार्टर सिस्टम में बहुत से ऐसे गुड्स होते थे जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता छोटे छोटे यूनिट्स में, और जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता वहां पे एक्सचेंज में बहुत दिक्कत आती थी, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे 2000 का नोट है, आप लेके जाएं, उसको छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आप 2000 से 10 रुपये का, 10 रुपये का सामान लेना चाहें ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सामने वाले के पास चेंज हो। आप 100 रुपये का लेना चाहें, 500 का लेना चाहें, 1000 का लेना चाहें, आप 2000 के नोट में ले सकते हैं, बाकी पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। ये ऐसा हम कर सकते हैं मॉनिटरी सिस्टम के अंदर, लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसी बहुत सी चीजें होती थी जिसको आप डिवाइड ही नहीं कर सकते छोटे यूनिट्स में, ठीक है। तो बेसिकली बार्टर सिस्टम के अंदर ना बहुत सी ऐसी चीजें जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता छोटे यूनिट्स में, वहां पे एक्सचेंज करना कई दफा पॉसिबल ही नहीं हो पाता था। तो हमने ये सोचना शुरू किया कि ठीक है भाई, हमें ना, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके अंदर क्या हो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट की जरूरत ना पड़े, स्टोरेज ऑफ वैल्यू जो है, मतलब परचेजिंग पावर को हम स्टोर कर सकें, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए उसको कॉमनली इस्तेमाल किया जा सके, और उसको छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जा सके। समझ आ गई बात? इसके अलावा ना बार्टर सिस्टम में एक और दिक्कत हुआ करती थी, डेफर्ड पेमेंट की, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखो, डेफर्ड पेमेंट का बेसिकली मतलब होता है किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए जब आप फ्यूचर में पे करते हैं ना, उसे डेफर्ड पेमेंट कहते हैं, कि आप एग्रीमेंट कर रहे हैं कोई दैट इन्वॉल्व फ्यूचर पेमेंट, बेसिकली उधारी वाला एग्रीमेंट जिसे कह सकते हो आप, कि जैसे मैंने आपको मोबाइल आज दिया, आप मेरे को कहते हो कि सर मैं आपको 1 महीने बाद या 6 महीने बाद पैसे दूंगा, आप मेरे लिए काम कर रहे हो आज, मैं आपसे कहता हूँ कि ठीक है मैं फ्यूचर में आपको 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, ये सब इस तरह के एग्रीमेंट जो है जिसमें पेमेंट बाद में होनी होती है ना, उसे हम डिफर्ड पेमेंट कहते हैं। तो बार्टर सिस्टम में कोई कोई कॉमन चीज नहीं थी जिसके, मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं था डिफर्ड पेमेंट का, मतलब फ्यूचर पेमेंट को, या कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसमें फ्यूचर पेमेंट इन्वॉल्व है उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, उस तरह का एग्रीमेंट जो है अगर क्रिएट होता है तो उसमें हमेशा डिस्प्यूट के चांसेस होते थे। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें फ्यूचर पेमेंट इन्वॉल्व है उसमें हमेशा डिस्प्यूट के चांसेस बने रहते थे। तो बार्टर सिस्टम में ये भी एक लिमिटेशन थी। बता देता हूँ किस तरीके से डिफर्ड पेमेंट डिस्प्यूट डिस्प्यूट होता था।
जैसे मान लीजिए आप ना, आपने किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया कि जैसे एक बिल्डर है या कोई मजदूर है जिससे आपने कहा कि भाई आपको ना एक कोई कंस्ट्रक्शन करना है, सपोज एक रूम कंस्ट्रक्ट करना है उसे, उसने कहा सर ठीक है मैं आपके लिए कंस्ट्रक्शन करूंगा। अब उस जमाने में ट्रांजेक्शन कैसे होता था, उसने वादा किया आपसे वो करेगा, बदले में आपसे एक प्रॉमिस लेगा कि आप बदले में उसको देंगे क्या उसके काम के बदले, क्योंकि पैसा तो था नहीं। तो आपने से वादा किया कि सर मैं आपको अनियंस दूंगा सपोज, क्या सर आप प्याज प्याज की एग्जाम्पल दे रहे हो, बात यही जहन में तो यही दे देता हूँ। तो आपने ना उसको अनियंस के एग्जाम्पल, अनियंस के लिए प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको, आप 1 महीने में काम खत्म कर दूँ, मैं आपको अनियंस दे दूंगा। उसने कहा सर दिखाओ जरा कहाँ है अनियंस, आपने दिखा दिया देखिए बोरी है, ऐसे 5 बोरियां मैं आपको दूंगा फॉर एग्जाम्पल। तो वो राजी हो गया, उसने कहा ठीक है जी मैं आपके लिए काम करूंगा। अब उसने 1 महीने तक लग के काम किया, 1 महीने बाद वो आपसे आया अपनी पेमेंट के लिए, आपने वो आप प्याज उठा के दे रहे थे कि ले जाइए जी ये अनियंस आपके। अब वो भड़क गया, उसने कहा सर ये वो प्याज नहीं जो आपने दिखाए थे। तो वो इस टाइम पे भड़क इसलिए गया क्योंकि वो देख रहा है कि अनियंस की क्वालिटी वो नहीं है जो तब थी जब उससे वादा किया गया था पेमेंट का। ठीक है, रीजन क्या है सर, 1 महीने में उसकी क्वालिटी खराब हो गई होगी ना, अनियंस वही है लेकिन क्वालिटी खराब होने की वजह से डिस्प्यूट तो रह गए। सामने वाली पार्टी ने इतनी मेहनत करी 1 महीने, वो उसके बदले जो प्याज लेने आएगी तो उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा देख के, समझ आ रही बात। तो डिफर्ड पेमेंट में ना इस तरह की दिक्कत आती थी कि आपको जो दिखाया जा रहा है अल्टीमेटली वही जब दिया जाएगा तो शायद उसमें उसमें डिस्प्यूट और उसको रिजॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो। अभी आज के टाइम पे जब मॉनिटरी सिस्टम आ गया तो क्या करते हैं, मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया उससे कहा कि जी मैं 5,000 रुपये दूंगा, उसने कहा ठीक है, मान लो उसे बोल दिया कि दिखाओ जरा 5,000 का है आपके पास, मैंने दिखाया जेब से निकल के, 5,000 रुपये मैं आपको दे दूंगा 1 महीने बाद। अब 1 महीने बाद उसने लग के काम किया, 1 महीने बाद वो नोट उठा के मैं उसको देता हूँ, लो जी 5,000 रुपये। तो वो लेगा या मना कर देगा, वो कह देगा नहीं ये तो पुराने हो गए नोट, ये तो बासी हैं, ये तो बेकार हो गए मेरे को नए नोट, ये तो फजूल की बात है ना। आज की रेट में आप नोटों का इस्तेमाल डिफर्ड पेमेंट के रूप में बहुत इजीली कर सकते हैं। सामने वाला बंदा नोट नए हो पुराने हो बासी कुछ भी हो भाई ये मैटर नहीं करता है, नोट है कंडीशन में है आप उसको दो वो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बार्टर सिस्टम के अंदर इस तरह की दिक्कत आती थी कि जो चीज आपने दी, जिस चीज के आधार पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में जब पेमेंट का टाइम आया तो उसकी क्वालिटी खराब हो गई, तो वहां पे उस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें डिस्प्यूट की पॉसिबिलिटी रहती थी। ठीक है, या आपने जिस चीज का वादा किया वो उसकी जरूरत के लिए जरूरत रही नहीं है उसकी, फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास आया सर्दी में काम करने के लिए, सर्दियों का टाइम था विंटर्स का, आपने उससे वादा किया कि जी आप अगर मेरा काम कर दोगे 1 महीने 2 महीने में तो मैं आपको सपोज स्वेटर दूंगा जैकेट दूंगा इस तरह की चीज दूंगा। अब उनसे काम करना शुरू किया, काम करते करते भाई सर्दियां निकल गई, अब सर्दी में काम, सर्दी के बाद काम खत्म करके आया आपके पास, लाओ जी पेमेंट, आपने समा दिया इसको स्वेटर और जैकेट कंबल, लो एंजॉय, क्या होगा उसका दिमाग खराब हो जाएगा ऑब्वियसली। बात समझ आ रही है, कहने का मतलब के एग्रीमेंट दैट इन्वॉल्व डिफर्ड पेमेंट, उस तरह के एग्रीमेंट्स को एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता था, उसमें डिस्प्यूट के चांसेस बने रहते थे हमेशा। यही सारे कारण थे जिसकी वजह से हमने कहा नहीं कि बार्टर सिस्टम को हटाएं और क्या लेके आए इसकी जगह पे मॉनिटरी सिस्टम लेके आए। अब देखिए अब जब मॉनिटरी सिस्टम आया ना तो अब देखो बार्टर सिस्टम की जो भी कमियां थी उसको उसने रिप्लेस कर दिया है, उसको हटा दिया। स्टोरेज ऑफ वैल्यू है, जो चीज आप यूज कर रहे हैं जो पैसा आप यूज करते हैं उसको आप स्टोर कर सकते हैं, परचेसिंग पावर आप स्टोर कर सकते हैं, उसको किसी भी चीज को वैल्यू करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, उसको छोटे यूनिट्स में डिवाइड भी किया जा सकता है, और फ्यूचर पेमेंट या कोई भी एग्रीमेंट जिसमें फ्यूचर पेमेंट इन्वॉल्व है उस तरह के एग्रीमेंट को आप इजीली एंटर कर सकते हैं और इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। समझ आ गई बात। लिमिटेशंस में देखें, लिमिटेशन नंबर 1 लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, लिखा है वन 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 ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम इज दैट इट डिपेंड्स अपॉन द डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड रिफर्स टू साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वॉन्ट्स ऑफ द सेलर एंड बायर। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट 1 मार्क में पूछा जाता है आपसे व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट, तो आप वहां लिखेंगे कि इट रिफर्स टू साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वॉन्ट्स ऑफ द बायर एंड सेलर। सेलर बायर की वॉन्ट जब एक साथ सेटिस्फाई होती है तो उसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट कहते हैं। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है सर, ड्यूरिंग बार्टर एक्सचेंज सिस्टम वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट दी पीपल हैज टू फेस एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड इज दैट इज द लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ गुड। डिविजिबिलिटी रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोडक्ट, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोडक्ट विच अलाउज अ पर्सन टू डिवाइड द गुड इन टू स्मॉलर यूनिट्स।
आगे लिखा है नेक्स्ट लिमिटेशन बार्टर सिस्टम की, इसके अंदर सर डिफर्ड पेमेंट वाले एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत होती थी। लिखा है एनी एग्रीमेंट दैट इन्वॉल्व फ्यूचर पेमेंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विद ईज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट। एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग डिफर्ड पेमेंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट जिसमें डिफर्ड पेमेंट होता था, फ्यूचर पेमेंट इन्वॉल्व होती थी, उसको हम प्रॉपरली एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाते थे, बिकॉज ऑफ दी फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर वन, बॉरोअर मे नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ एग्जैक्टली सेम क्वालिटी। पेमेंट के टाइम पे बॉरोअर जो है वो एग्जैक्टली सेम क्वालिटी के गुड्स डिलीवर करने में शायद असमर्थ हो, और देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द स्पेसिफाइड गुड दैट शुड बी यूज फॉर रीपेमेंट। रीपेमेंट के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल होनी चाहिए, इसको लेके ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट लिमिटेशन, लैक ऑफ स्टोरेज वैल्यू। गुड्स को आप बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द पैरिशेबल नेचर ऑफ द गुड्स, ज्यादातर चीजें खराब होने वाली होती हैं। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, गुड्स जो है उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता कि सभी चीज को मेजर करने के लिए हम सिमिलर्स एक ही गुड का इस्तेमाल करें। जैसे अगर सपोज राइस हम परचेज कर रहे हैं, तो हर बंदा अपनी जरूरत के हिसाब से हमें बताएगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो आपको राइस को ना हमेशा उसी टर्म्स में वैल्यू करना पड़ेगा। कोई कॉमन चीज हर कोई डिमांड नहीं कर रहा है। अभी क्या है, आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं, हर कोई क्या डिमांड कर रहा है, बदले में मनी डिमांड कर रहा है, तो आज की डेट में कॉमन मेजर वैल्यू है, पहले नहीं होता था। तो ये पढ़ लीजिएगा इसमें से। ठीक है जी, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं मनी सप्लाई की, और अगली क्लास में चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। तो आज हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको बताया मनी क्या है, आज की क्लास में हम बात कर रहे थे मनी के अलावा बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम को क्यों हटा दिया गया, उसकी जगह पर मॉनिटरी सिस्टम लाने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके लिमिटेशंस मैंने 5 लिमिटेशंस बताई हैं कि सर उसके अंदर कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट की रिक्वायरमेंट होती थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट की, डिविजिबिलिटी गुड्स के साथ बहुत से ऐसे गुड्स थे जिसमें नहीं होती थी, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड के रूप में हम गुड्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट के चांसेस बने रहते थे, स्टोरेज ऑफ वैल्यू के रूप में चीज़ों को इस्तेमाल करना मुश्किल था, हम चीज़ों की वैल्यू को बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते थे, और किसी भी चीज़ को मेजर करने का कोई कॉमन तरीका नहीं था। तो ये सब जो है आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है। आज हम इतना ही करेंगे, अगली क्लास में हम बात करेंगे मनी सप्लाई, ठीक है, और लास्ट क्लास होगी चैप्टर की। चलें जी, आज के एपिसोड में इतना ही, होपफुली आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में मनी सप्लाई के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।